दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरे पास ये बाइक है और ये बाइक है, तो इस टाइम दोनों का जो है वो ऑयल चेंज पेंडिंग है। तो अभी मैं इसे लेके जा रहा हूँ और दोनों के लिए ऑयल खरीदेंगे और इसका ऑयल चेंज करवा के बाद में उसे लेके जाएंगे, फिर उसका ऑयल चेंज करवाएंगे। तो और ये हमारी कार है, तो इसका जी वो डेक है जो वो ख़राब है, तो उसे भी खोल के देखेंगे कि क्या मसला है उसे। तो कोशिश करेंगे कि उसे भी ठीक कर दें। वन टू फाइव का ऑयल चेंज हो गया है, तो अभी इसकी बड़ी है। तो ये ऐसे की ऐसी गंदी खड़ी है, जब से लाहौर आया हूँ मैंने एक मरतबा निकाली थी, चला के चेक की रही थी, तो अभी साफ नहीं की, वैसे की वैसी गंदी है। तो अभी इसका ऑयल चेंज करवाने जा रहा हूँ। ऑयल वगैरह चेंज हो चुके हैं, तो अभी रह गया ये गाड़ी का काम। तो अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करके तो फिर इसे भी ठीक करके देखते हैं कि क्या बनता है इसका। अगर ठीक हो जाए तो गुड है, तो अगर नहीं हुआ तो फिर भी देखेंगे कि क्या होता है। उसका हो गया जी डेक खराब, स्पीकर नहीं चल रहे, डेक भी नहीं चल रहा ये वाला। तो ये देखें बटन वगैरह मैं दबा रहा हूँ तो डेक नहीं चल रहा। तो अभी मैं इसे देखने लगा हूँ क्या हो गया, तो अभी चेक करते हैं। पहले भी मैंने एक मरतबा खोला था इसे, तो ये मैंने जब खोला है तो तब ये चल गया था, तो मैंने फिर बंद कर दिया, फिर चलता रहा। गाड़ी फैसलाबाद तक गई है, वापसी पे दोबारा फिर नहीं चला। तो आज मैं चेक करूँगा कि कौन सी वायर है जो इसकी जो हिलती है, जिसका इशू आ रहा है, तो वो मैं चेक करता हूँ। अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रही कि क्या मसला हुआ इसे। तो गर्मी से मेरा बुरा हाल होने लग रहा है, दरवाजा वगैरह मैं खोल दूँ थोड़ी सी हवा अंदर आ जाए। अब पता नहीं क्या हुआ है, पिछली दफ़ा तो ठीक हो गया था, तो आज मैं फिर लगता है काम लंबा ही है, तो मैं चेक कर देता हूँ। अभी गर्मी से हो चुका है बुरा हाल, आप देख सकते हैं पसीना टपक रहा है। तो अभी मुझे एक फॉल्ट नज़र आया, तो उम्मीद है कि वही फॉल्ट हो, अगर वही फॉल्ट हुआ तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो ये एक वायर थी, वो मैंने उतार के फेंक दी है। तो अब ये देखने, आपको पता नहीं कैसे दिखाऊं मैं,
ये जो पीछे से ये बाइट्स है ना, मैं इन्हें दबाऊंगा। ये आपने देखा, आपने देखा है ना कि झटका सा मार रही है। ये काम करिए। अब मुझे शक है कि इसी में मसला है, तो अभी इसी मसले को हल कर देते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये ठीक हो जाएगी। अब जी 3-4 घंटे मैंने कोशिश की, 3-4 तो नहीं, तकरीबन 2 घंटे मैंने कोशिश की है, तो मुझे जो डाउट था वो कुछ और था। तो मैं बाजार गया तो मैंने पूछा मैकेनिक से कि मैंने कहा ये डाउट है मेरे से, तो उसने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन ये भी डाउट हो सकता है कि इसका ये पैनल है ना, ये ढीला हो। तो अभी मैं बाजार मैकेनिक के पास इसे लेके टेप को लेके जा रहा हूँ, अगर तो इसमें फ़र्क हुआ तो वो ठीक कर देगा, तो मैं आगे फिट कर दूंगा और ये इंशाल्लाह चल जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाजार इसे लेके। तो अभी जो मैं ठीक करवा के लेके आ गया हूँ, तो वायरिंग वगैरह जो थी मैंने अपनी तरफ से तो सारी छेड़ दी थी, तो अभी मैं लगाता हूँ, उम्मीद है चल जाएगी, फिंगर क्रॉस्ड है, तो अभी देखते हैं क्या बनता है। वो अभी ठीक नहीं हुआ, तो मैं जा रहा हूँ मैकेनिक के पास उसे दिखाने के लिए कि अब खुद ही चेक करे कि क्या बना क्या नहीं बना। उसने तो अपना उसकी समझ में जो है तो वो तो उसने कर दिया है। अब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, अभी भी काम नहीं बना, तो अभी गाड़ी सामने करते हैं उसके, फिर देखते हैं कि क्या करता है उसके साथ। तो मैकेनिक के पास गया था तो उसने कहा जी ये फ्यूज़ का मसला है, तो मैंने फ्यूज़ चेक किए हैं, तो मेरा एक फ्यूज़ जो है वो ख़राब निकला है, तो मैंने फिर ये इजाफी फ्यूज़ वैसे ही अपने पास ला के रख लिए हैं, तो वो मैंने फ्यूज चेंज कर लिया, अब चल गया। ले जी फाइनली गाड़ी जो है वो ठीक हो गई, अभी आपको चला के दिखाते हैं। तो जो हमारा तार टेप वो चल गई है, अब इंशाल्लाह अब तो नहीं खराब होगी।